हेलो दोस्तों, ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट से है। स्टार्ट। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जातियां, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जब कि हमें अपने उस दिए हुए वचन को सार्थक करना है। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी है या नहीं। यदि हैं तो एक समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की
कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। श्रीमन, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएं तो यह देखें कि हम इसमें से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज का रुपए पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो खेतिहर मजदूर की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी
खराब हालत हो रही है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। समाप्त। धन्यवाद।